भाऊ आणि बहिणीच्या नात्याची वीण घट्ट करणारा सण. देशभरामध्ये उद्या रक्षाबंधनाचा हा सण साजरा केला जाणार आहे. या दिवशी आपल्या बहिणीला अनोखा गिफ्ट देण्याचा सर्वच भावांचा प्रयत्न असतो. उत्तर प्रदेशातल्या अशाच एका भावानं आपल्या बहिणीला चक्क टॉयलेट गिफ्ट दिले. उत्तर प्रदेशच्या गोंडा जिल्ह्यातल्या रुद्रगड नवसी गावामध्ये ही अनोखी घटना घडली आहे. आपल्या घरी शौचालय नसल्यामुळे बहिणीला त्रास सहन करावा लागतो. आपण तिचा हा त्रास पाहू शकत नाही आणि त्यामुळे आपण या बहिणीला हे गिफ्ट दिल्याचं या मुलानं सांगितलंय. राखी शौचालय असं या टॉयलेटला नाव देण्यात आलं असून त्याला फुग्यांनी सजवण्यातही आलंय. बहिणीला टॉयलेट गिफ्ट देऊन हा एक अनोखा उपक्रम या युवकाने राबवलाय आणि त्याचं जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुद्धा कौतुक केलंय. ये समस्या अब तो मेरी दूर हो गई है, लेकिन अभी भी और मेरी माताओं या बहनों के साथ वही समस्या जारी है. मैं तो उस समस्या से उबर चुकी हूँ, लेकिन जिनके यहाँ टॉयलेट नहीं है, मैं समस्त भाइयों से कहना चाहती हूँ या पिताजी से कहना चाहती हूँ कि जिनके यहाँ टॉयलेट नहीं है, वो लोग अपने अपने घर पे अवश्य टॉयलेट बना लें. रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैंने अपने बहन को टॉयलेट गिफ्ट किया है, क्योंकि हमारे बहन को वहाँ बाहर जाने में टॉयलेट करने में सब बहुत परेशानी होती थी और पानी वानी बरसता था तो सबसे ज़्यादा परेशानी होती, इसीलिए मैंने गिफ्ट किया. तो मिशन ग्रामीण के अंतर्गत इस समय एक जन जागरण अभियान चल रहा है पूरे जनपद में कि हर घर में लोग शौचालय बनाएं, शौचालय का प्रयोग करें. इसी कड़ी में इस गाँव के एक भाई ने अपनी बहनों को शौचालय निर्मित करके रक्षाबंधन के अवसर पर गिफ्ट दिया है. एक अद्भुत क्षण था और इतना अच्छा लगा. इस बच्ची फूल कुमारी ने लोगों के सामने इतनी मार्मिक अपील की और अपनी वेदना को व्यक्त किया. शायद गांव का हर निवासी आज इससे प्रेरित होगा और गांव के सभी लोगों ने मुझे अगले एक महीने में हर घर में शौचालय बनाने का वादा किया. सी 24 तास रहा एक पाउल पुढ़े.